Hi everyone, welcome to my maths channel. So my dear friends, in this video you will get 12 most important PUIQ from JEE Advanced on the chapters complex number. This is very important for JEE Mains as well as JEE Advanced exams. If you want to get very good marks in JEE Main math as well as JEE Advanced maths, then you have to solve these types of problem properly. All the very best for your forthcoming JEE Main as well as JEE Advanced exam. Now, very important PUIQ from complex numbers for JEE Main as well as JEE Advanced exam. If omega be a non-real cube roots of unity, then find the value of this. जब भी इस type का questions होगा, आप क्या करोगे? पहले इसका sum find करना है, ठीक है क्लियर. सपोज ए इज इक्वल टू दिस, ए क्या है देखो, हाफ कॉमन ले लिया. सो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? ए बाई वन माइनस आर है, ए तो वन है. सो दिस इसको सिंप्लीफाई किया, सो दैट इज टू है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशंस है इस एक्सप्रेशंस में पुट कर दिया. सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्सप्रेशन इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. हमें क्या मालूम है? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो इसका वैल्यू क्या है? माइनस वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मैथमेटिक्स. Find the value of this is important PYQ for your forthcoming JEE Main as well as JEE Advanced exam. Find the value of this. A PYQ है JEE Advanced का है. So this is A omega का value है, A भी तो omega का value है. इसको 3 से divide करके remainder find करो, remainder 1. इसको भी 3 से divide करके remainder find करो. So this मैंने क्या किया, यहीं से 3 को common लिया. तो रिमेनिंग पार्ट क्या है? वन प्लस टू ओमेगा. इसका वैल्यू तो जीरो है. वन प्लस टू इन टू ओमेगा का वैल्यू को लिखा है. सो दिस इज़ वन माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री. ये तो कैंसिल है. सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट? आयोटा रूट थ्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस एग्जाम. ए पीवाईक्यू जेईई एडवांस है. द वैल्यू ऑफ दिस आप क्या करोगे? देखो यहीं पे वन वन वन, इसका जगह पे देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो इसका वैल्यू क्या है? ओमेगा है. ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फोर मीन्स क्या? ओमेगा है. सो लाइक दिस, ठीक है क्लियर. यहीं पे ओमेगा बी द नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अभी इसको एक्सपांड करो. अभी ये ब्रैकेट को रिमूव कर दो. जब ब्रैकेट को रिमूव कर दोगे सो तुम्हें ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. सो लाइक दिस, ठीक है. एक ओमेगा तो इसका साथ कैंसिल हो गया. तो कितना बचा हुआ है? थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. यू टेक कॉमन ओमेगा, सो दैट इज़ थ्री ओमेगा माइनस वन है. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर forthcoming JEE Main as well as JEE. If omega is not equal to 1, be a cube root of unity and 1 plus omega square whole to the power n is equal to 1 plus omega 4 whole to the power n, then find the least value of n है, ठीक है क्लियर. सो तुम क्या करोगे? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर एन इजक्ल टू वन प्लस ओमेगा फोर होल टू द पावर एन. ओमेगा फोर मीन्स क्या? ओमेगा है. अभी कि देखो इसको इस फॉर्म में इसको डिवाइड कर दो. वन प्लस ओमेगा से डिवाइड कर दिया, इस फॉर्म आ गया. अभी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो जीरो है, वो वैल्यू को पुट कर दिया. माइनस माइनस प्लस, ये ओमेगा को लिखो ओमेगा फोर है. सो दिस इज ए इसका साथ कैंसिल हो गया. तो ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर एन है. सो ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर एन मीन्स क्या? ओमेगा का पावर टू एन इक्वल टू वन है. तो एन का वैल्यू क्या होगा ना? सो दिस इज एन का वैल्यू इज थ्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस एग्जाम. Now, if omega is not equal to 1, be a cube root of unity and a plus b omega equal to 1 plus omega whole to the power 7. Find a and b है, ठीक है. So this is a plus b omega equal to this. So 1 plus omega square, so that is equal to 0. 1 plus omega का वैल्यू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो माइनस ओमेगा टू द पावर 14. इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो ओमेगा स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लो. ए प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एक क्लियर, एक अब जीरो होगा ना जब ए एंड बी का वैल्यू वन होगा, क्लियर. सो आपको ए एंड बी फाइंड करना था. सो दिस इज ए एंड बी का वैल्यू वन एंड वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू जेईई एडवांस. नाउ दिस इज पी वाई क्यू जेईई एडवांस 2011. So here if z be any complex number satisfying this, then find the minimum value of this. तो आप क्या करोगे, यहीं से 2 कॉमन लेकर इस फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा. So like this, ऐसा करके आप लिखोगे. So this is z minus 3 minus 2 iota minus 4 iota plus 9i, so that is 5 iota. So this is जब minimum value होगा, so this is greater than लिखना है twice of this और बीच में minus sign. इसका value तो 2 था, 2 into 2 4 and so this is minus 9. 4 minus 9 minus 5, उसका modulus क्या होगा, so that is 5. So minimum value is 5. This is very very important for your JEE Main as well as JEE Advanced. This is PUIQ JEE Advanced 2012. This is very very important for JEE Main as well as JEE Advanced exam. Let Z be a complex number such that the imaginary part of Z is non-zero and A is equal to this is real. Then A cannot take the value, so like this. So आप क्या करोगे, you make this one be a quadratic equations of Z. ठीक है, एंड सो यहीं पे क्वेश्चन पे गिवन है जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो. सो ये कब इमेजिनरी रूट देगा ना, जब डी लेस देन जीरो है. डी लेस देन जीरो मीन्स क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो है, तो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 4, ए को इधर कर दो तो 1 माइनस 1 बाई 4, सो दैट इज 3/4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज डी ऑफ कैन नॉट टेक द वैल्यू. सो 3/4 कभी भी नहीं हो सकता है, उससे छोटा वैल्यू हो सकता है लेकिन 3/4 कभी नहीं. Now this is PYQ JEE Advanced, very very important for JEE Main as well as JEE Advanced exam. Let Z is cos theta plus iota sin theta, then find the value of this. M is equal to 1 से 15 imaginary part of Z to M minus 1. Z is cos theta plus iota sin theta, तो imaginary part of Z क्या होगा, so like this Z to the power 2m minus 1 sin 2m minus 1 into theta. अब ये वैल्यू को पुट कर दो sin theta, so this इसका जो साम होता है sin n बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2. वो फार्मूला को अप्लाई किया और कुछ नहीं है, थीटा का जगह पे 2 डिग्री लिख दिया, सो दैट इज इक्वल टू क्या है 1/4 साइन 2 डिग्री. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज JEE. दिस इज PYQ JEE Advanced 2010. Z1, Z2, P, two distinct complex number, let Z is equal to this. For some real number T, with T is this. If argument of Z equal to principal argument of a non-zero complex number, clear, so this is Z. Then if omega है, so this is omega. Then 4 options is there. Actually ये क्या represent करता है, straight line represent करता है. Z minus Z1 is equal to this. ठीक है, clear. Suppose ये line है, so this is OP is equal to A plus AP. ए पी फैक्टर्स इक्वल टू क्या है लैम्डा ऑफ ए बी, ये कोलिनियर फैक्टर्स है. सो दिस इज देखो ये रिप्रेजेंट करते हैं. जब ऐसा कंसिडर करोगे, सो दिस इज लोकस ऑफ जेड इज स्ट्रेट लाइन जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. सिमिलरली सी एंड डी आर ऑल्सो द राइट चॉइस है. सी एंड डी के लिए जैसा जेड माइनस जेड वन, ठीक है, एंड ए था, देखो जेड माइनस जेड वन का जगह पे टी जेड टू माइनस जेड वन पुट कर दिया एंड जेड टू बार माइनस जेड वन बार, ठीक है. सो दिस इज जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू टी इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ए था, ठीक है, क्लियर. सो दैट इज इसका जगह पे पुट कर दिया. देखो टी को कॉमन ले लो, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू 0 है. अभी देखो यहीं पे क्लियर. सो जेड का एक ही साइड में ही दोनों है, सो दैट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड दोनों तो इक्वल है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लियर JEE Advanced एग्जाम. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर JEE Advanced, नॉट एनी अदर. दिस इज PYQ JEE Advanced 2009. Z be a complex number where x and y are integers, then find the area of a rectangle whose vertices are the roots of this. ठीक है, सो दिस इज इससे एक जेड उधर ले लो, जेड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, सो लाइक दिस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कॉमन ले लिया. सो दिस अभी क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसको जब ब्रेक करोगे तुम्हें ये मिलेगा. सो दिस इज 175 इक्वल टू 25 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7. दिस इज एक्स इज प्लस माइनस 4 एंड वाई इज प्लस माइनस 3. तो ये डायग्राम है, तो ये लेंथ क्या है 6 है, ये लेंथ क्या है 8 है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट 8 into 6, 48. This is very important for JEE. PYQ JEE Advanced 2003. Let the complex number alpha and 1 by alpha bar lies on this curve. Okay, respectively. If Z0 is this, satisfying the equations, then modulus of alpha. Kya hoga? Z minus Z0 is equal to R. Z minus Z0 equal to 2R. क्लियर, इसको मॉडुलस फॉर्म में यू कैन राइट. सो दिस इज दोनों को स्क्वायरिंग कर दो, जेड इंटू जेड बार, सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको भी कर दिया, क्या ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू हैव गॉट. अभी यहीं पे इसको स्क्वायरिंग कर दिया, 4r स्क्वायर जेड इंटू जेड बार उसको लिखा, उसका बाद इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया. इसको भी मल्टीप्लाई करके ए लाइन लिखा है. अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू हैव गॉट दिस. अभी यहीं से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 जब कॉमन ले लोगे, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ जेड का 0 का स्क्वायर. अभी यहीं से जेड 0 का स्क्वायर का वैल्यू को लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस 2/2 है. क्लियर. नाउ व्हाट विल गेट, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मिल गया मॉडुलस ऑफ अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 1/√7 है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस्ड.